पूज्य बंदेगण को मेरा बंदामी सभी धर्मवंदियों को जय भी नमस्कार। और आज भगवान बुद्ध का हम जन्मदिन सभी हर्षोत्साह से मना रहे हैं। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से तथा बाबा साहब के आशीर्वाद से सभी के सोचे हुए लक्ष्य पूरे हों, सब दीर्घायु हों, सब निरोग रहें और सब शिक्षित बने। आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है तो उससे संबंधित कुछ बात होनी चाहिए। जो सार है, भगवान बुद्ध ने सार क्या बताया, मैं सिर्फ 5 मिनट की बात रखूंगा आपके सामने, जो आपके काम की बात होगी वो ध्यान से सुना जाएगा। ये रटवाल की है, जो भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़ते हैं, लोगों ने उनको पढ़ा होगा, तो मैं उनके ही एक संबंधित कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। भगवान बुद्ध जब अपना प्रवचन कर रहे थे तो सभी नगरवासी उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसमें एक रटवाल नाम का व्यक्ति भी था। जब नगरवासी सब वहाँ से चले गए तो रटवाल ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आपका जो प्रवचन था वो मुझे बहुत पवित्र लगा, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके धर्म में प्रवेशित हो जाऊँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा नियम है कि बगैर माता पिता के आज्ञा के मैं किसी को अपने धर्म में प्रवेशित नहीं करता। रटवाल अपने माता पिता से आज्ञा लेने के लिए गया। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तू हमारा अकेला ही एक पुत्र है, जब तू घर से बेघर हो जाएगा तो हमारा कौन देखभाल करेगा। मगर माता बार बार रटवाल के अनुनय विनय करने पर माता पिता ने आज्ञा नहीं दी और रटवाल जमीन पर लेट गया और ये कसम खाई कि जब तक मैं उस जमीन से उठूंगा नहीं, जब तक माता पिताजी मुझे आज्ञा भिक्षु बनने की नहीं देंगे। वहाँ कुछ उनके पड़ोसी भी थे, उन्होंने कहा, अरे सुनो, ये मर ही जाएगा तो आप कहाँ से लालन पालन कर पाएंगे, इसलिए इसको आज्ञा दे दो, कम से कम बहुत भिक्षु होगा तो कम से कम आपके घर पे तो आएगा। उनके मन में ये बात आई कि बात तो ठीक हो है, उन्होंने आज्ञा दी रटवाल को और रटवाल भगवान बुद्ध के पास गया और वहाँ प्रवेशित हो गया। प्रवेशित होकर के अपने घर पे भी वो एक बार आया और भोजन दान किया। बीच में बात बहुत लंबी है, शॉर्ट में करता हूँ। जब रटवाल भिक्षु एक उद्यान में जो राजा का था उसके नीचे बैठ करके अपना मेडिटेशन कर रहे थे तो राजा उस टाइम आए। राजा ने कहा, हे रटवाल, तुम तरुण हो, युवा हो, तुम बौद्ध भिक्षु घर से बौद्ध भिक्षु क्यों बने, घर से बेघर क्यों हुए। राजा बोला, 4 प्रकार से साधु बनता है, या तो उसके परिजन सारे मर गए हों, या वो निर्धन हो उसे खाने के लिए ना हो, या वो ऐसी बीमारी हो जो उसका लाइलाज हो, या वो बूढ़ा हो उस पर कमाता ना हो, तो इसीलिए वो साधु बनता है, बौद्ध भिक्षु बनता है। तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। रटवाल ने कहा कि मैंने भगवान बुद्ध का एक बार प्रवचन सुना, वो मुझे बहुत सत्य लगा। भगवान बुद्ध ने 4 बातें कही। राजा बोला, क्या 4 बातें थी। भगवान ने कहा कि ये संसार अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, प्रति क्षण परिवर्तनशील है। जब ये परिवर्तनशील है तो मेरा भी शरीर परिवर्तनशील है, मैं भी एक दिन नहीं रहूँगा। दूसरा, भगवान ने कहा कि संसार का मालिक नहीं है कोई, इसका कोई संरक्षक भी नहीं है। तीसरा, भगवान ने कहा कि मरने के बाद कोई किसी के साथ धन नहीं जाता, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो पुण्य काम करता है, वो उसके अगले रास्ते में भी काम आते हैं, उसका पवित्र रास्ता बनता है, उसके जितना भी शरीर होता है वो पवित्र होता है और निर्माण को प्राप्त करता है। चौथा, भगवान ने कहा कि तृष्णा के वशीभूत होकर संसार दुख झेल रहा है। भगवान ने कहा कि राग द्वेष मोह के कारण तृष्णा पैदा होती है और तृष्णा से दुख पैदा होता है। जितना ही आदमी तृष्णा कम करेगा उतना ही सुख आने लगेगा। भगवान बुद्ध के मानने से कुछ नहीं, भगवान बुद्ध के रास्ते पर आप सभी लोग
थोड़ा सा तो चल के देखें, थोड़ा सा चल करके देखें तो आपका दुख दूर होता रहेगा। मैं इसी के साथ भगवान बुद्ध की चार बातें जो सत्य थी आपके समक्ष रखी, आपने ध्यान देकर सुनी। टाइम थोड़ा कम है इसलिए सबको साधुवाद। मैं दोबारा भगवान बुद्ध के जन्म दिन की शुभकामनाएं आपको दोबारा देता हूं। जोर से बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, साधु।